हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लखन सोए रात में 3 बजे, मैं सोई हूँ रात में 2 बजे और लखन जल्दी उड़ गए, मैं लेट उठी हूँ। अगर आपने बाहर का व्यू नहीं देखा है तो मैं अभी दोबारा दिखा देती हूँ, क्योंकि टीवी कोई देख नहीं रहा, बट स्टिल टीवी ऑन है। ये है हमारा मिनी पूल, सच में घर की याद दिला दी इस जगह ने। इस वजह से ये हमारा प्राइवेट पूल है एक्चुअली, ये नहीं ऊपर वाला। और वो यार वो झूला बहुत क्यूट है ना, क्यूट जगह। तो अभी चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सबसे पहला कॉल मैंने किया मॉम को, मॉम ने मुझे कॉल बैक किया है क्योंकि मॉम वॉशरूम में थी। हेलो मॉम, नमस्ते। लखन नमस्ते बोलो। मम्मी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? वॉक करते हैं तो बढ़िया एकदम। हाँ, तभी आप ये जब वॉक करते हैं फोन घर पर छोड़ते हैं। देखो हमारा जो नया विला है ना, हमें शिफ्ट कर दिया। और मॉम ये यहाँ पर एक पूल भी है, प्राइवेट पूल। अच्छा। हाँ। नहीं जा रहे हम घूमने, उन्हें पता है ना, नहीं तू तो पूल की दीवानी है। भाई नमस्ते। भाई का नमस्ते बोलो। भाई नमस्ते। हाँ मैं तो फोन कर रहा था, जब क्यों नहीं उठाया था भाई? मैं तो सो के लेट उठा हूँ, मतलब लेट के यहाँ पे अभी 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, ब्रेकफास्ट तो कर लो। मैं वहीं तो जा रहा हूँ भाई, ब्रेकफास्ट करके हमें लेने आ रहे हैं, वहीं जा रहे हैं हम। मेरे को तो उल्टी जैसा आने लगा था। नीतू भाई से शिकायत कर रही है कि कल रात में हम गए वो जगह मुझे गंदी लगी। तो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं फीफी आइलैंड। हमें सबने सजेस्ट किया था, पाई ने, मॉम ने, विवेक भैया ने, ये सब गए हुए हैं, तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि फीफी आइलैंड बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर जाके हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और सच बताओ, मेरे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, अभी मेरा मन कर रहा है यहीं पर बैठे रहो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि बोलते हैं कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है, उसी तरह एक खराब घड़ी हमारे काम आई है। क्योंकि खराब घड़ी इन द सेंस कि खुशी कभी सुबह सुबह नहीं उठती, लेकिन आज खुशी ने हमें उठाया। और फिर मुझे याद आया कि मैंने 8 बजे का जो अलार्म लगाया था वो गलती से रात का लगा दिया था। होता है नींद में यार ऐसा, उन्हें आने में देर है अभी। नीतू हो गई तैयार। वाह, तेरा आज का आउटफिट सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा। पड़ोसी आ जा, पड़ोसी यार एसी कहां से बंद हो रहा है? आओ पड़ोसी, एसी बंद नहीं होता। और ये है यहाँ का व्यू, और यार बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, मैं यहाँ पर इंडियन फूड मिलने वाला है, तो देखते हैं हमें इंडियन में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर। देखते हैं क्या है इनके पास। सुबह सुबह बिरयानी, अच्छा भाई ब्रेड्स भी हैं। और ये क्या है यार? यार मैं तो यही सब खाकर पेट भरूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं कुछ और खा पाऊंगी। गुड मॉर्निंग। सो व्हाट्स दैट? ब्रेड पुडिंग। ब्रेड पुडिंग, ओके ओके, ब्रेड पुडिंग, सॉरी ओके। यहाँ पर मास्क के लिए बोल दिया है, मैं खाना देख रही हूँ, मास्क के लिए बोल दिया कि मास्क पहनो आप, मुझे मास्क पहनना पड़ेगा। उससे पहले मैं थोड़ा खाना देख लूँ और क्या क्या है, वरना फिर मैं बोलूंगी आपको सुनाई नहीं देगा मास्क में। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ लखन के लिए फ्रूट्स, और लखन वहाँ पर कर रहे हैं काम, बो रहे हैं। इज वेरी डेडिकेटेड गाइस। तो ये लेकर चलते हैं, उसके बाद मैं तो मैंने फ्रूट्स ले लिए। लखन खा रहे हैं घास फूस, क्यों इतनी सुबह सुबह यहाँ पर आके इतना हेल्दी क्यों दिखा रहे हो? मैंने फ्रूट्स खा लिए, बहुत ज्यादा हेल्दी बन के दिखा लिया मैंने भी सबको, फ्रूट से पेट नहीं भरने वाला। जब मुझे मीठा दिखता है मैं वहीं पर मर जाती हूँ हमेशा। क्या देख रहे हो, अभी तो हेल्दी बन रहे थे, अब अनहेल्दी में कुछ और दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हो गया हमारा ब्रेकफास्ट डन। अच्छा लखन ना चले गए हैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा करके एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग तो कर ली थी लखन ने रात में 3 बजे तक, मगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर वाईफाई बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। और पता है जब तक व्लॉग एडिट नहीं हो जाता, मतलब पोस्ट के लिए नहीं चला जाता, तब तक लखन आने वाले भी नहीं है, आई मीन कहीं जाने वाले भी नहीं है। बताओ लखन कहाँ है? लखन इज हियर। हाय लखन, मैं तो फैन हो गई। देखो भाई, हाँ आप लोगों को मुझे डेली टाइम के ब्लॉग देने हैं ना, अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया होगा ना तो यार मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। देखो मैं और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तब भी। देखो मैं अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा। सच में सिर्फ तुमने थोड़ी सी चीज खाई लखन, सैलेड ओनली। नो वरीज यार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस बहुत ही गंदा नेटवर्क चल रहा है, बट स्टिल ही इज हियर। इनका वाईफाई अच्छा है। अच्छा, इन्होंने जो हमें दिया उसकी स्पीड नहीं आ रही, चल रहा था। अच्छा, जो पहला कर ले तब तक हो चुका होता है। हाँ यार, बट नो वरीज, अब देखते हैं। उन सबने कर लिया ब्रेकफास्ट? कर रहे हैं वो लोग, चलो चलते हैं। सेकंड टाइम लखन ने मुझे प्रूव कर दिया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा गुड लगन। यहाँ पर 10 मिनट से वेट कर रहे हैं भैया और खुशी का, और हमें लेट हो गया सच में। खुशी यार आजा, बहन वो फोन कर रहा है बार बार यार, बहुत ज्यादा लेट हो गया, हमें निकलना है फीफी आइलैंड के लिए। चले, ऑल सेट, ऑल सेट टू गो। और ये देखो कितना गंदा कर दिया रूम, सारा रूम गंदा हो गया, बट कोई बात नहीं, आकर क्लीन करेंगे। अभी भाई बहुत लेट हो गए। चश्मा नहीं रखा, चश्मा रख लिया? लखन ने मना किया था कि मुझे कोई भी चप्पल लेने के लिए, तो मैं अपनी सिर्फ एक ही 2 चप्पल लेकर आई हूँ, और आप पूरे व्लॉग में पूरी रील्स में मेरे को 2 ही चप्पलों में देखोगे। ओह गॉड, इट्स वेरी हैवी। लखन, लखन दिखाओ अपना फेस, बिल्कुल क्रिकेटर लग रहे हो। क्या लगसो? पूरी ट्रैवलर वाली फील आ रही है। दिखाओ,
बहुत ही हैवी बैग है गाइस लगन का। सबसे हैवी बैग तो नीतू तेरा है। तो ये तो कल वाली भैया है हमारे पास। हम लोग हैं बिल्कुल सेम वैन में जिसमें हम कल आए थे। देखो यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, यूनिक्लो है और क्या दिख नहीं रहा मुझे, एमके लखन क्या लिखा है, अरे जो भी है। देखो अब लखन सो चुके हैं, गुड नाइट लखन। लखन ने कर लिया था अपना ब्लॉग एडिट रात में। खुशी अब कर रही है, विवेक भैया को चक्कर आ रहे हैं। तो लिए 10 मिनट्स की नैप इनफ होती तुम्हारे लिए? आई थिंक वो पावर नैप थी मेरा। ओके ये पता नहीं पावर नैप बोलते किसको है। आई थिंक हम लोग पहुँच गए ना लखन। देखो लग नहीं रहा वैसे पहुँच गए, स्मेल स्मेल काफी है। सच में एक बात बताओ, अभी है उतरती हमें आ रही है सी फूड वाली स्मेल, क्योंकि शायद यहाँ पे सी फूड मिल रहा है और यहाँ के लोग मोस्टली सी फूड ही खाते हैं, मेरे बस की तो है नहीं। अच्छा देखो मैंने लगाया अपना क्रिकेट वाला चश्मा और यहाँ के लिए बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि जो वैसे चश्मे होते हैं ना हवा आते में उड़ जाते हैं। अच्छा। ये चिपका रहता शरीर से, साइकिलिंग में भी लोग इसको यूज करते हैं। वाओ ये है क्रूज और मेरे चश्मे हम नहीं इसमें जाएंगे। नीतू ये कौन है, के लुबानी? भैया कितने क्यूट है ब्रो, थैंक यू फॉर द इंटरनेट, यू आर वेरी क्यूट। अच्छा जो लोग उधर के साइड के होंगे ना, गड़गंगा साइड के, हाँ। वो देखो अच्छा लग रहा है, जैसे घाट लग रहा हो। हाँ यार जो अंदर जाएंगे ना एकदम ब्लू पानी है, जैसा मूवीज में देखते हैं। यार तो ये इतना गंदा क्यों? आई थिंक यहाँ पे क्लीनिंग होती है इसलिए गंदा है। मेबी गाइस यहाँ पे क्लीनिंग होती है शायद ये इसलिए गंदा है यहाँ का पानी। यार यहाँ पर सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं स्प्रे वाली लेकर आई हूँ। गाड़ी चलने लगा। हाँ नीतू का एक और सियापा, वो तो भाई ने चेन। थैंक यू ब्रदर। तुम्हारा ले लूं मैंने पीने वाली। यार दोबारा से भी सनस्क्रीन लगानी पड़ी क्योंकि धूप आज बहुत ज्यादा है ना। फाइनली मैं जा रहा हूँ बोट चलाने, वाओ अब मैं चलाने वाला हूँ दिव्या लेंटर। भैया ने अपने हाथ में बोट ले लिया है बिकॉज सामने एक बोट आ रही थी। अभी नहीं तो ठुकवा देती। So this is the Fifi Island. दिखाओ जरा पानी। नहीं यार अब तो बहुत अच्छा है। So ये है यहाँ पर सब बोटिंग कर रहे हैं यार। वाओ यार वाओ यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इज इट डीप? हाँ अभी स्कूबा करेंगे हम यार। अमेजिंग यार इसका पानी एक तो इतना साफ, ऊपर से अब हम यहाँ जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने। स्कूबा डाइविंग में पानी के अंदर वाले सारे शॉट्स हम आपको दिखाएंगे। नीतू सबसे पहले यार पानी का कलर देखो, अब मतलब दिन बन गए देखते ही। तुम मेरा फेस दिखा नहीं रहे हो। ओके अब दिख गया फेस तेरा। तो याद है दिक्की और करण ने मुझे तुम्हारा एक्सपीरियंस बताया था लास्ट की तुम जब आए थे तुम बोट पर ही रहे थे। हाँ मैं उस टाइम डर रहा था। यार ये देखो वाओ ब्यूटीफुल यार क्या सुंदर पहाड़ है ये। हाँ डायनासोर की तरह लग रहे हैं है ना, प्लांट भी लग रहे हैं ना यार ये डायनासोर लग रहा है। गाइस ये जस्ट 4 मीटर है, 4 मीटर में तो आराम से खड़ी भी हो जाऊंगी। सच में? यस। अब हम हो रहे हैं तैयार स्कूबा डाइविंग के लिए और अंदर पानी इतना क्लियर है कि फोटोज बहुत अच्छे आएंगे। तो गाइस हमने अभी शॉट्स बहुत कम लिए थे यहाँ आते हुए क्योंकि मोटर की आवाज इतनी तेज थी और लिए भी होंगे तो मैंने उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कराऊ क्योंकि यार हमारी आवाज तो आई नहीं सकती। लेकिन नीतू ने आज बोट चलाई। नीतू कैसे लगा? मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सेकंड टाइम और चलाई भी स्पीड बोट है नीतू ने आज। बहुत मजा आया। और पता है इसने भी क्या करा, हम जब आ रहे थे ना तो उन्होंने इसके हाथ में कम से कम 10 मिनट के लिए बोट दे दी थी और वो ये पता नहीं हाँ, किस डायरेक्शन में ले आ रही थी। और नहीं वो मेरी तारीफ भी कर रहे थे कि आपका हैंडल सिस्टम बहुत अच्छा है। कब बोला? सीरियसली ऐसे तो बोला? यार ये तो झूठ बोल रही है। पूछ लो मेरे सामने तो नहीं बोला। मैं उस वो क्या मेरी और वो भाषा समझता है नहीं तेरी ना, तू उसकी समझ रही फिर तारीफ कैसे कर दी? यार ये लोग समझ से थोड़ा कम है। खैर मेरे को डर लग रहा है मैं शार्क हूं रे। शार्क पता नहीं होती भी होगी तो। अच्छा तो पता है नीतू गलत डायरेक्शन में ले गई और एक बार क्या हुआ, मतलब हमको आना आइलैंड पे था और ये इधर ले जा रही थी, फिर उन्होंने बताया एक बार सामने से बोट आ रही और लेके जा रही है सीधा सीधा रुकी नहीं रही। खाइयो कसम खा के पता चले एक बार। कसम कसम चूल्हे में बसम। OMG ये देखो सी थ्रू है यार सी।
वाह यार, मेरा मन कर इसमें जाके अभी से छलांग लगा लूं। लगन कर लूं। हाय एवरीवन। हाय, ये कोई हाय नहीं बोल रहा हमें, हमें तो कोई हाय नहीं बोल रहा लगन। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर स्कूबा। ये अब इसको फंसा के बोट खड़ी करेंगे एक जगह। क्या क्या करने वाले हैं? व्हाट इज दैट? समो। ओके, इससे ना ये बोट एक जगह स्टेबल रहेगी। अच्छा, और हम लोग जाके स्कूबा डाइविंग करके वापस आ जाएंगे। हमने लास्ट टाइम जब स्कूबा करी थी, वरना पता चला हमने डिप यहाँ मारी, निकल गई और रहे हैं। देखो ऐसे करी जैसे उसको रोका हो। रुक जा भाई, टाइम आने दे। सबसे अच्छी क्वालिटी बताती हूँ मैं खुद में कि मेरे को स्वेटिंग नहीं होती है, मेरा मेकअप बिल्कुल स्टे करता है। लखन को विवेक भाई को इतनी स्वेटिंग हो गई, खुशी का पता नहीं मुझे, मगर टच वुड मुझे स्वेटिंग नहीं होती। तो पर हम दोनों का बुरा हाल है, स्वेटिंग नहीं होती है। वो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं उसके रोम छिद्र बंद है। शट अप, मेरे को मैं तो भगवान, थैंक यू सो मच। बहन वो तो सुरक्षा जैकेट पहन ली। यस, इट्स टाइम फॉर लाइफ जैकेट। रिक्की भाई आई एम सॉरी, मुझे पता तू ये व्लॉग देख रहा होगा, और ये जो तेरी स्किन टाइट जो तू घर में ढूंढ रहा है वो सब मैं लेके आ गया हूँ। अब पहनी जा रही है लाइफ जैकेट, तो यार स्कूबा डाइविंग के लिए। हाँ जी। लखन आपका कहाँ है लाइफ जैकेट? पहनो। फ्रेंड्स, मुझे इन्होंने ये बैड दिया हुआ है, वाटर बैड, और मैं आराम से सो रहा हूँ पानी के ऊपर। देखो लखन, चलो यार सब चल रहे हैं अब कहीं और, किसी और आइलैंड में। भैया क्या कर रहे थे? नहीं भैया, भैया ने पक्का यहाँ पर टॉयलेट कर लिया। चलो। ओ वाओ, मजा आ गया यार। लखन क्या कर रहे हो यार? पानी तक खा रहा था, मुंह में चला गया, अभी भी टेस्ट आ रहा है उसका। यार मेरी हालत देखो, लेकिन जो मजे आज हमने किए नेक्स्ट लेवल, और जो डाइव लगाई है आपने तो शॉट्स देख ही लिए, हम जा तो एंजॉय आपने भी किया होगा साथी में, और हम यहाँ चल गए बहुत थक गए यार। देखो यार ये बिल्कुल हेवन है सच में। हम लोग पहुँच गए अपने लंच करने, अब हम करेंगे लंच। लखन आर यू रेडी फॉर द लंच? हम लोग आए हैं यहाँ पर इंडियन फूड खाने। इंडियन फूड मिलेगा या नहीं ये तो नहीं पता, बट देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। इट्स रियली अमेजिंग अमेजिंग प्लेस, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर छोटे छोटे फिश भी हैं। ओह गॉड, चलो चलते हैं। ये है यहाँ पर खाने का एरिया जहाँ पर हम करने वाले अपना लंच। हाय, हम लोग अलग अलग क्यों कर रहे हैं? फिश है यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी, बहुत क्यूट क्यूट सी। नाइस ना लगन? गाइस यहाँ पर है बुफे, हम लोग खाने वाले हैं अब बुफे, और इंडियन बुफे है। और मुझे ये जगह ना गोवा की याद दिला रही है। देखो बिल्कुल गोवा जैसी फील आ रही है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। और देखो यार यहाँ पर ये सब स्टारबक्स की पी रहे हैं कॉफी। हाँ तो हम देखते हैं हमें खाने को क्या मिलेगा। मुझे लग रहा नहीं यहाँ पर खाने को है, पूछते हैं किसी से। इट्स अ पार्क, पार्क नो, बुलडॉग, बुलडॉग, बुलडॉग। हाय हाय हाय, इट्स सो क्यूट यार। हेलो, मुझे क्या लगी? वाओ बुली, थैंक यू, बाय। हाय हमें मिल गया इंडियन फूड। पहले यहाँ पर देखती हूँ कि यहाँ पर क्या है। ये तो फ्रूट्स है, बहुत अच्छे अच्छे कटे हुए हैं। What is this? You don't know Hindi, but I'm asking English, brother. तीन थाली अब हम यहाँ से ले रहे हैं। मैं एक चीज उन सबको बोलना चाहूंगी जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। और बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं कि इंडिया से बाहर भी ब्लॉग देखते होंगे लोग। हाँ यार सच में। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे शॉर्ट्स लेने हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, और शायद बहुत सही रेट पे मिल जाएंगे। नहीं तो तू जरी रहे, मैं एक शॉर्ट्स लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आगे गलियों में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मतलब लेडीज के लिए बहुत सारा सामान है यहाँ पे, और मुझे लड़कों लायक कुछ नहीं दिखा अभी तक। तो मैंने लिया है ये, बहुत ही अच्छे से स्टॉल्स हैं, लेकिन ये तेरे पे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सोना लग रहा है। सो मुझे मिल गया है ये झूला, मैं इसको देख रही थी कि कब खाली होगा। फ्रेंड एस सच तो हमें कुछ मिला नहीं जो सोचा था, अभी हम दोबारा चलते हैं खाने के लिए, क्योंकि खाना शायद लग भी गया होगा। आधे घंटे से हम ऐसे टाइम पास करते हुए घूम रहे हैं। यस सो लेट्स गो एंड ईट समथिंग। अब क्या? अब यार खाने नहीं आया तो आइसक्रीम खा लेते हैं, इससे अच्छा। अनीतू पहले खाना खा ले, वरना ना भूख मिट जाएगी। मेरी भूख नहीं मिटती। आ जा आ जा। मैं बहुत टेस्टी हो रहा है। अच्छा लग रहा है बेटा, ये तेरी भूख बोल रही, तू नहीं बोल रही। यस यू डिड अ ग्रेट जॉब।
हमने कर लिया है यहाँ पर अपना लंच और अब मुझे ना क्रेविंग हो रही है मीठे की, तो मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है, मगर पता है लोग ना दूर दूर से आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक हम लोग गए वहाँ पर आइसक्रीम थी नहीं। थिंक हमें अंदर जाना पड़ेगा आइसक्रीम खाने के, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस आइसक्रीम यार। ओए ये तो डोरा केक्स है, डोरेमोन वाले। अच्छा ये हमें फोर्स करेंगे नेक्स्ट टाइम, अब जब भी नेक्स्ट टाइम यहीं पर रुकेंगे और कहीं नहीं। आपका होटल लेना बहुत बेस्ट है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, ठीक है। आप हमें बता देना, हम आपके पास आएंगे। हमारा दुकान का नाम है कॉफी हाउस। नमस्ते, से नमस्ते। अब ये क्या खाली डोरा केक्स जो डोरेमोन में देखे होंगे आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना। आपने देखा मैं कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, लाइक तो बनता है। अच्छा दूसरी बात ये कि आज हमारे साथ जो आप दूसरा पार्ट देखोगे ना उसमें आपको पता चलेगा हमारे साथ कितना बड़ा मिसहैप हुआ, तो प्लीज मिस नहीं करना, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो कि मतलब देखोगे ना तो आप शॉक रह जाओगे। लखन तो रोने लगे थे, सच में रोने लगा था, कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ। और आप शाम वाला ब्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक 5 बजे आ जाएगा, उसको देखे अगर आपकी भी दिल की धड़कन तेज हो और आंसू निकले तो बताना। अगर आंसू निकले तो प्लीज उसको भी लाइक कर देना, उसको भी कमेंट करना, उसको भी इतना ही प्यार देना। बाय बाय, वी लव यू ऑल।